प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल थ्री इस मॉड्यूल के अंदर हम सिस्टमैटिक्स की जो एप्लीकेशंस हैं या उसकी जो कंट्रीब्यूशन है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर उसको हम स्टडी करेंगे बेसिकली जो सिस्टमैटिक्स है इसकी कंट्रीब्यूशन को हम दो हेड्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं थोरेटिकल बायोलॉजी एंड अप्लाइड बायोलॉजी तो मॉड्यूल थ्री के अंदर हम थ्रेटिकल बायोलॉजी के अंदर किस तरीके से सिस्टमैटिक्स हेल्प करती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रेटिकल बायोलॉजी के अंदर जो मेजर फील्ड है जहां पे सिस्टमैटिक्स हेल्प करती है उसमें एवोल्यूशन है उसमें इकोलॉजी है उसमें मोलैकुलर बायोलॉजी है और उसके अंदर एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है अब हम बारी बारी इनको देखते हैं सबसे पहले एवोल्यूशन एवोल्यूशन बेसिकली है क्या इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं एवोल्यूशन इज बेसिकली प्रोसेस बाय विच प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर प्रेजेंट हैव बीन टू फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर प्रेजेंट इन द पास्ट बेसिकली इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट्स और एनिमल्स जो आज इस जमीन पर मौजूद हैं वो उन प्लांट्स और एनिमल्स जो कि पुराने जमाने में मौजूद थे उसके अंदर तब्दीली से वजूद में आए हैं वो क्या प्रोसेस था उस प्रोसेस को एवोल्यूशन कहते हैं अगर हम जेनेटिक्स के हवाले से बात करें तो हम ये कहेंगे कि चेंज इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम वक़्त के साथ ऑर्गेनिज्म्स के जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो तब्दीली आती है इस प्रोसेस को हम एवोल्यूशन कहते हैं बेसिकली एवोल्यूशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है हम ये नहीं कह सकते कि एवोल्यूशन हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर मूव करती है एवोल्यूशन पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है अगर हम इसको कंपेयर करें अडप्टेशन के साथ तो अडेप्टन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, अंदर तब्दीली आती है चेंज आती है मॉडिफिकेशन उनके अंदर होती है लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर चेंज होती है तो बेसिकली एडेप्टन और एवोल्यूशन के अंदर ये बेसिक डिफरेंस है कि एवोल्यूशन पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है जब से जेनेटिक्स स्टार्ट हुई तो उसमें जो टेक्सोनिस्ट हैं बेसिकली टेक्सोनिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को उनकी डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर अरेंज करने में हेल्प की ये कहा जाता है कि जितनी ज्यादा हेल्प टेक्सोनोमिस्ट ने एवोल्यूशनरी स्टडी के अंदर की है किसी और ब्रांच के रिसर्चर्स ने नहीं की बेसिकली जो टेक्सोनोमिस्ट हैं ये ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करने के अंदर हेल्प करते हैं ताकि उनकी स्टडी आसान हो जो नेक्स्ट फील्ड जिसके अंदर टेक्सोनिस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो इकोलॉजिस्ट है या इकोलॉजी है इकोलॉजिस्ट की टेक्सोनिस्ट बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं क्योंकि इकोलॉजी के अंदर जितने भी सर्वेस होते हैं ये इनकम्प्लीट रहते हैं अगर जिस इलाके के अंदर सर्वे किया गया है वहां के प्लांट्स और एनिमल्स उनको कंप्लीटली प्रॉपरली आइडेंटिफाई ना किया जाए और इनको आइडेंटिफिकेशन के अंदर हेल्प चाहिए होती है और यह हेल्प इकोलॉजिस्ट को कौन प्रोवाइड करता है ये टेक्सोनोमिस्ट प्रोवाइड करते हैं एल्टन 1947 के अंदर इसने इस चीज को अक्नॉलेज किया के इकोलॉजी के अंदर जितनी भी एडवांसमेंट हुई है इसमें जो टेक्सोनोमिस्ट हैं जो सिस्टमेटिक्स के रिसर्चर्स जो हैं उनकी बहुत ज्यादा हेल्प है इसी तरीके से मालिकुलर बायोलॉजी के अंदर सिस्टेमैटिक्स या टेक्सोनोमी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है क्योंकि जो मालिकुलर बायोलॉजिस्ट हैं दे यूज़ मोलेकुलर डाटा टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स टू कैटेगराइज द ऑर्गेनिजम्स लेकिन आल्दों के जो मॉडर्न टूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं लेकिन जो मालिकुलर बायोलॉजिस्ट हैं उनको भी जो ट्रेडिशनल टेक्सोनामिस्ट हैं उनकी हेल्प की जरूरत पड़ती है क्योंकि जो ट्रेडिशनल टेक्सोनिस्ट होते हैं ये मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स की बेस के पर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं उनको क्लासिफाई करते हैं और उस डाटा को यूज करते हुए फिर बायोलॉजिस्ट स्पीशीज की कंफर्मेशन करते हैं जैसे कि डीएनए बारकोडिंग जो कि एक पॉपुलर मेथड है इसके अंदर हम एक ऑर्गेनिज्म का एक छोटा सा जीन का पीस जिसकी लेंथ सिक्स फिफ्टी टू बेस पेयर होती है जिसको हम बारकोड भी कहते हैं इसको यूज करते हुए ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं उनकी स्पीशीज को हम पहचान सकते हैं लेकिन डीएनए बारकोडिंग भी उस वक्त तक कामयाब नहीं रहती जब तक हमारे पास मार्फोलॉजिकल डाटा अवेलेबल ना हो क्योंकि अगर मार्फोलॉजिकल डाटा अवेलेबल नहीं है तो फिर इवन हम बारकोडिंग के जरिए ऑर्गेजम्स को आइडेंटिफाई भी कर लें तो वो एक अननोन स्पीशीज रहेगी बेसिकली ऑर्गजम को क्लासिफाई करने के लिए उनको प्रॉपर नाम देने के लिए ट्रेडिशनल टेक्सोनमी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है लेकिन ये जो मालिकुलर टूल्स होते हैं ये आसानी पैदा कर देते हैं क्योंकि बज दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम मार्फोलॉजिकली एक जैसे होते हैं लेकिन उनके अंदर डिफरेंसेस होते हैं वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं डिफरेंट स्पीशीज होते हैं तो जो ट्रेडिशनल टेक्सोनिस्ट उनको एक स्पीशीज के अंदर रखते हैं लेकिन जब हम मोलैकुलर बेस के ऊपर उनको कैटेगराइज करते हैं तो पता चलता है ये डिफरेंट स्पीशीज हैं तो मालिकुलर टेक्सोनिस्ट जो है ऑल्दो के इनकी जो स्टडीज हैं इंपॉर्टेंट हैं लेकिन ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेस लाइन डाटा प्रोवाइड करते हैं इस बेस लाइन डाटा को बेस बनाकर मोलैकुलर बायोलॉजिस्ट अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं